लोकसभा चुनाव को लेकर जयपुर में राजनीतिक दलों का प्रचार चरम पर है, तो वहीं मतदाताओं में भी मतदान के प्रति एक उत्साह दिखाई दे रहा है। शहर में होटल, दुकान, गली, मोहल्ले या चाय की थड़ी, हर जगह लोगों की जुबान पर चुनावी चर्चा है। और इस बार जयपुर शहर की जनता जात पात से ऊपर उठकर लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान करने जा रही है। लोगों का कहना है कि इस बार जाति या धर्म पर नहीं, विकास के मुद्दों पर ही उम्मीदवार को चुना जाएगा। इस दौरान संवाददाता दिनेश कसाना ने बात की शहर के एक परिवार से, जहां चुनावी चर्चा हो रही थी। चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। जयपुर में आज हम मौजूद हैं, जहां पर चुनाव को लेकर एक फैमिली है, वेल एजुकेटेड पूरी फैमिली है, चुनावी चर्चा कर रही है। क्या कुछ उन परिवार के सदस्यों का कहना है, उनसे हम बात करेंगे। मैं तो सर ज्योति खंडेलवाल को देखना चाहता हूं, क्योंकि पिछला जो कार्यकाल था 5 साल का मेयर पद का, तो उन्होंने मेयर पद में काफ़ी ऐसे विकास करवाए हैं, शायद ये सांसद में भी खरी उतरेगी। और जो रामचरण जी बोल रहा है, वो 5 साल जो चुनाव जीते थे, इन्होंने जयपुर के लिए कोई ऐसी चीज़ ही नहीं करी। विकास का मुद्दा इसमें सबसे पहले है। विकास में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम करवाया है, रामचरण बोरा जी ने भी बहुत काम करवाया है। विकास का मुद्दा होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रीयता के नाम पर वोट कहाँ तक? जहाँ तक लगे कि देश में जो भी चीज़ें हो रही है, वो ग्लोबल देखें चाहे इंटरनल देखें, जैसे भी चाहे, वो विकास हर बंदे तक, हर व्यक्ति तक पहुंचे, वो पहले राष्ट्रीयता पे आना चाहिए और वही विकास, वही राजनीति चलनी चाहिए। परिजन करें महिलाओं के हितैषी कौन सी पार्टी? बीजेपी पार्टी। कारण? विकास। महिलाओं के लिए क्या किया? एजुकेशन में कितना अच्छा किया है महिलाओं के लिए। 33% आरक्षण देने की बात कांग्रेस की सरकार कर रही है कि सरकार बनेगी कांग्रेस की, तो महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, उन्हें उनका हक मिलेगा, क्या मानते हैं? मिलेगा। क्या विकास होना चाहिए जयपुर शहर का? विकास अच्छा होना चाहिए, जिससे लोगों को फायदा हो, करप्शन खत्म होना चाहिए। अगर कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, न्याय योजना आई है, 72,000 रुपये गरीब परिवारों को गरीबी हटाने की बात कही है, इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, कितना कारगर साबित होगा? देखिए, एक बार के लिए तो हमने अभी देखा कि किसानों का भी सारा दर माफ कर ही गया है, कर पूरा माफ कर दिया है, बट अब उनको कितनी जल्दी वो सब चीज़ें फैसिलिटेट होती है उस पर डिपेंड करता है। जो ये 72,000 का आइडिया है, मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, लोगों को लगता है कि 80% जो हम दे रहे हैं, क्यों दे, हमारा परिवार है तो देश भी हमारा ही है, ये स्टेट भी हमारा ही है, तरक्की होगी तो सबकी होगी, एक की अकेले की तरक्की नहीं हो सकती है। शहर की जनता है, विकास के मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान नहीं, विकास के मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। जयपुर शहर की जनता का यही फीडबैक है, कोई मोदी की तरफ है तो कोई राहुल गांधी की तरफ है, कांग्रेस बीजेपी दोनों तरफ का जो परिपाटी चली आ रही है, वो परिपाटी मिटाकर आज विकास के मुद्दों पर चुनाव की बात जनता कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रंजीत शर्मा के साथ दिनेश कसाना।